Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine by Almighty Allah's will. I hope you all completed your previous lesson. Today we are going to start our new lesson of maths. But before starting it, please place your math countdown in front of you and open up page number 67. First put the date and day. ओके सो दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन. जैसे कि आपने पहले किए हैं ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होंगे. हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए इनका सम बनाना है और फिर उन्हें ऐड करना है. ताहिर हैज 14 कॉइन्स. ताहिर के पास 14 कॉइन्स हैं. जमाल हैज 23 कॉइन्स और जमाल के पास 23 हैं. हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर ऑल टुगेदर. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे ऑल टुगेदर आ रहा होगा वहाँ पे ऐड होगा. 14 और 23 को जब हम इनका सम बना के ऐड करेंगे तो 37 बनेगा और ये सम आपके पास ऑलरेडी हुआ हुआ है. लुक एट द बी वन. रहमान है प्लेड 15 क्रिकेट मैचेस इन वन ईयर एंड 12 मैचेस इन दी सेकेंड ईयर. ओके, रहमान ने 50 क्रिकेट मैचेस एक ईयर में खेले और 12 मैचेस उसने सेकेंड ईयर में खेले दूसरे साल में. हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले इन दी टू इन द टू ईयर्स. अब हमें फाइंड करना है कि उसने कितने मैचेस टू ईयर्स में खेले. यहाँ पे ऑल टुगेदर नहीं लिखा हुआ लेकिन हमें इस सम को पता लग रहा है क्योंकि हमें इन दोनों को ऐड करके ही पता चलेगा कि इसने कितने मैचेस खेले. माइनस करेंगे तो ये कट हो जाएगा. ओके, 15 और 12 का हम सम बनाएंगे. 5 + 2 = 7, 1 + 1 = 2. रहमान ने 2 ईयर्स में 27 मैचेस खेले. बिल्कुल इसी तरीके से आप ये तीनों सम जैसा कि मैंने बताया कंप्लीट करेंगे. ओके चिल्ड्रन, नाउ लुक एट पेज नंबर 68. फर्स्ट पुट द डेट इन देयर. कंपेयरिंग नंबर्स. लेट अस कंपेयर नंबर्स टू आइडेंटिफाई हाउ मच मोर देन मोर वन इज फ्रॉम द अदर. ओके, सो हमें नंबर्स को कंपेयर करते हुए उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि एक नंबर दूसरे से कितना ज्यादा है. कंपेयर 6 and 1. ओके, सो बोबो द बनी जंप्स ऑन द नंबर लाइन टू रीच 6. बोबो को नंबर लाइन पे जंप करके 6 पे जाना है. सो जब हम 1 से 2 तक जाने के लिए 2 तक जाएंगे तो हम 1 ऐड होगा उसमें. 2 से 3 तक जाएंगे अगेन 1 ऐड होगा. 3 से 4 तक जाएंगे 1 ऐड होगा. 4 से 5 तक 1 ऐड होगा. 5 से 6 तक, बोबो को 6 तक ही जाना था, इसमें 1 ऐड होगा. नाउ काउंट दी नंबर्स. 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5. बोबो हैज जंप 5 टाइम्स टू रीच 6. बोबो ने कितनी बार जंप किया 6 तक जाने के लिए? 5 टाइम्स. देयरफॉर वी से 6 इज 5 मोर देन 1. तभी हम बोलेंगे कि 6 जो है वो 5 से एक नंबर बड़ा है. नाउ कंपेयर 8 एंड 4. बोबो जंप्स अगेन ऑन द नंबर लाइन टू रीच 8. बोबो को अब 8 से 4 तक कंपेयर, अब हमें 8 और 4 को कंपेयर करना है. सो बोबो अगेन जंप कर रहा है कहां तक? 8 तक जाने के लिए. ओके, स्मॉलर नंबर इज 4, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे. 4 से 5 तक गए तो 1 बार जंप की. 5 से 6 तक गए, सेकेंड टाइम जंप की. 6 से 7 तक गए, थर्ड बार जंप की. और 7 से 8 तक गए तो 4 बार जंप की. अब हम इन्हें ऐड करते हैं. 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4. सो बोबो ने कितनी बार जंप किया? 4 टाइम्स जंप किया. कहाँ तक? 8 तक पहुंचने के लिए. देयरफॉर वी सी से 8 इज 4 मोर देन 4. जब हम 4 में 4 मोर ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा? 8 बनेगा. नाउ लुक एट पेज नंबर 69. फर्स्ट पुट द डेट इन डे. ओके, सो फर्स्ट
Compare the numbers and write how much more one is from the other one has been done for you. So हमें numbers को compare करके देखना है कि one दोनों numbers के बीच में कितना difference है, दोनों कितने ज्यादा हैं. First वाला आपके लिए हुआ हुआ है compare 8 and 5. 8 is 3 more than 5. Look at the number line. Okay, find the number 8. Here is 8. Find the number 5. Now, we have to reach 8. 1, 2, 3. So, 8 is 5. 3 numbers zyada hai 5 se. Compare 11 and 13. Look at the smaller number. Smaller number is 11. तो हम नंबर लाइन में 11 को फाइंड करेंगे. Here is 11. अब हमें 13 तक दोनों के बीच में नंबर्स. So 1 and 2. 13 कितने नंबर्स ज्यादा है 11 से? 2 नंबर्स ज्यादा है. तो यहाँ हम लिखेंगे 2. Compare 12 and 7. Smaller number कौन सा है 12 और 7 में से? 7. Find 7 in the number line. Now अब हमें 12 तक रीच करना है. 1, 2, 3, 4, 5. So, 12, 7 से कितने numbers बड़ा है? 5 numbers बड़ा है. Compare 14 and 7. Smaller number is 7. Find 7 in the number line. 7. 14 तक हमें रीच करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, 7 से कितने नंबर बड़ा है? 7 नंबर बड़ा है. E, F and G भी आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे नंबर लाइन को देखते हुए. Now open up page number 70. First put the date and day. Addition. Write the numbers in the given box which should be added to get the answer. One has been done for you. Okay, so हमें नीचे sums को देखना है given boxes में कितने numbers हम add करेंगे तो हमें answer मिलेगा. Okay, A part has been already done for you. Look at the B one. 3 plus dash is equals to 8. हमें 3 में और कितने numbers add करने हैं कि वो 8 बने. Okay, now look at your hand. Open your fingers. हमें अब 3 के बाद से counting start करनी है 8 तक. Open your hand. 4, 5, 6, 7, 8. Now look at your hands. कितनी fingers open हुई आपकी? Yes, 5 fingers. तो 3 में हम 5 add करेंगे तो क्या बनेगा? 8. Look at the C1. 5 में हम कितने numbers add करेंगे तो वो 7 बनेगा? Again, वही method use करेंगे. Fingers को open करेंगे. 5 के बाद से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है 7 तक. 6, 7. कितनी फिंगर्स ओपन हुई? 2 फिंगर्स. राइट 2 ओवर हियर. सो हम कितने नंबर 2 नंबर्स और ऐड करेंगे 5 में तो वो 7 बन जाएगा. 2 प्लस अब हमें क्या बनाना है इसको? 9 बनाना है. नाउ अगेन ओपन योर फिंगर्स. 2 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 9 तक. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितनी फिंगर्स हमारी ओपन हुई? 7 फिंगर्स. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7. Look at the E1. 7 में हम कितने नंबर और ऐड करेंगे कि वो 8 बनेगा? 7 के बाद से काउंट स्टार्ट करेंगे 8 तक. 7 बाद क्या आता है? 8 ही आता है. तो कितने नंबर ऐड हुए? 1 नंबर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 8. 12 में हम कितने नंबर्स ऐड करेंगे कि वो 14 बनेगा? स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर 12. 13, 14. कितनी फिंगर्स खुली हमारी? 2 फिंगर्स. तो 12 में हम कितने 2 नंबर्स और ऐड करेंगे कि वो 14 बनेगा. बिल्कुल इसी तरीके से आप इस पेज को कंप्लीट करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है. Now open up page number 165. First put the date and day. So this is your practice worksheet.
कलर द स्क्वायर्स येलो, स्क्वायर्स को हमें येलो कलर करना है, ट्राइंगल्स को ग्रीन कलर, सर्कल्स को ऑरेंज और रेक्टेंगल को ब्लू। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस पेज में शेप्स को फाइंड करते हुए स्क्वायर जो होगा उसको येलो करेंगे, ट्राइंगल होगा उसे ग्रीन कलर करेंगे, ऑरेंज हो सर्कल जो होगा उसे ऑरेंज और रेक्टेंगल होगा उसको ब्लू कलर। इसके अलावा आप कोई और कलर इसमें यूज नहीं करेंगे। नाउ लुक एट पेज नंबर 166, फर्स्ट फॉर द डेट इन डे। ओके, तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल वही चीज करनी है, जो जो आपको शेप्स गिवन है उसी तरह वहां पे और कलर्स गिवन है तो उन शेप्स को देखते हुए वही कलर्स वहां पे यूज करने हैं। जहाँ पे ऐसा शेप दिखेगा वहां पे रेड यूज करेंगे, जहाँ पे ऐसा होगा वहां पे ब्लू, जहाँ पे ये वाला शेप होगा वहां पे ऑरेंज, जहाँ पे ये वाला होगा वहां पे ग्रीन, जहाँ पे ये वाला शेप होगा वहां पे येलो और जहाँ पे ये वाला शेप होगा वहां पे पर्पल। सो नीचे आपका पीकॉक ड्रॉ हुआ है और उसके विंग्स हैं, तो उसके विंग्स में इस तरह के शेप्स बने हुए। जहाँ पे आपको जो शेप दिखे और जो कलर गिवन हो उसमें वही कलर करना है उस शेप में, इसके अलावा कोई और कलर आप यूज नहीं करेंगे। नाउ लुक एट पेज नंबर 167, फर्स्ट पुट द डेट इन डे। दिस इज योर प्रैक्टिस वर्कशीट। सो दीज आर द टेंस इन वन, जैसा आपने पहले टेंस इन वन के पेजेस किए हैं बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला भी होगा। मिसिंग नंबर्स, जो नंबर मिसिंग होगा वहां पे वो नंबर्स लिखने हैं और असेंडिंग में, असेंडिंग होता है स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा। तो इसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हुए नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे और बिगर नंबर पे एंड करेंगे। सो हियर योर टेक्स्ट बुक वर्क इज कम्प्लीटेड, नाउ मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर नोटबुक वर्क। ओके, नाउ यू हैव टू राइट द टेबल ऑफ थ्री इन योर नोटबुक। बिल्कुल इसी तरीके से आप थ्री टाइम टेबल का कैप्शन डालेंगे और जैसे आपने टू का टेबल लिखा था बिल्कुल इसी तरीके से आप थ्री का टेबल लिखेंगे और साथ साथ इसका इंडेक्स भी बनाएंगे। आफ्टर राइटिंग द टेबल ऑफ थ्री, मूव टूवर्ड्स योर नेक्स्ट पेज। फर्स्ट पुट द डेट इन डे, राइट दिस कैप्शन एडिशन फॉर फन। नाउ सो दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स और इस तरीके से आपको नीचे इनके सम बनाने हैं। निदा हैज टू एप्पल्स, निदा के पास टू एप्पल्स थे, हर ब्रदर गिव हर थ्री मोर, उसके भाई ने उसे तीन और दे दिया। अब हमें फाइंड करने हैं कि निदा के पास कितने एप्पल्स हो गए, तो टू में जब हम थ्री ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप वो लिखेंगे। मूव टू द नेक्स्ट पेज, इस तरीके से आप सम लिखेंगे। सादिया हैज फोर रेड पेंसिल्स, सादिया के पास फोर रेड पेंसिल्स थी और टू येलो पेंसिल्स थी। अब हमें फाइंड करना है कि इन दोनों के उसके पास मिला के इन दोनों को कितनी पेंसिल्स हो गई। सो फोर में जब हम टू ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वो आप खुद लिखेंगे इन्हें ऐड करके अपनी फिंगर्स ओपन करके। फाइंड द सम ऑफ फाइव एंड फोर, फाइव एंड फोर का हम इस तरीके से पहले ये सम लिखेंगे, फिर इसका इस तरीके से नीचे सम बनाएंगे। 5 + 4, 5 में जब हम 4 ऐड करेंगे फिंगर्स ओपन करके तो क्या आंसर आएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप सम नंबर डी लिखेंगे। व्हाट इज 4 मोर देन 6? 6 4 से कितना बड़ा है? जैसे हमने बुक में नंबर लाइन को देखते हुए किया तो 6 इज डैश मोर देन 4। 6 4 से कितना बड़ा है, तो हम फिंगर्स 4 के बाद फिंगर्स खोलना स्टार्ट करेंगे। 5 6, कितनी फिंगर्स ओपन हुई आपकी? 2 फिंगर्स। तो 6 जो है वो 4 से 2 नंबर्स बड़ा है, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। ऐड 6 एंड 3, 6 एंड 3 का सम बनाएंगे और इन्हें ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। सो हियर आवर लेसन इज कम्प्लीटेड, डू योर वर्क इन नीट एंड क्लीन राइटिंग, कम्प्लीट योर वर्क इन ऑन टाइम। Hope to see you soon in next lesson. Allah Hafiz. Take care.